देश में भाजपा द्वारा 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कुल्लू में जिला पदाधिकारियों के साथ जनसंपर्क अभियान को लेकर रणनीति तैयार की। इस बैठक में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सभी पदाधिकारियों को 2024 लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए आवश्यक टिप्स दिए। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लंबे भाषण दिए, 6 महीने तक एक ही भाषण होता है और मुख्यमंत्री मोदी जी भाषण शुरुआत यही करते कि हम आर्थिक तंगहाली के दौर में से गुजर रहे और जिसके लिए वो दोषी वो पूर्व की सरकार को ठहराने की कोशिश करते हैं और उनको इस बात को महसूस करना चाहिए। जब हमको भी सरकार मिली थी 2017 में तो उस वक्त भी 50,000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी दे करके गई थी और आज मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ, हमने तो 2 वर्ष के कार्यकाल, हमें कहते कि ऋण लिया, हमने तो 2 वर्षों में 5,000 करोड़ लिया, यहाँ तो 3 महीने में उन्होंने 3 महीने में ही 6,000 करोड़ रुपए ले लिया और 1,000 करोड़ रुपए और लेने इस महीने लेने वाले हैं। तो आप खुद कहाँ पहुँच गए हैं? इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की बातें करना मुझे लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में जितने भी काम थे 1,000 इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं। कोई भी सरकार बनती है वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके काम करती है। यहाँ ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी जो बंद करने में लगी है। हॉस्पिटल चले हुए बंद कर दिए, तहसीलें चली हुई बंद कर दी, SDM के दफ्तर चले हुए बंद कर दिए, BDO के दफ्तर चले हुए बंद कर दिए। इसलिए बहुत बातें आज की तारीख में कहने को हैं और चारों तरफ निराशा और नाराजगी का एक माहौल है। सड़कें जहां छोड़ी थी वहीं खड़ी हैं और पुल का निर्माण, भवनों का निर्माण जहां छोड़ा था वहीं का वहीं, और न कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट। क्या हुआ उन गारंटियों का, लोग पूछ रहे हैं। आज कहा तो था कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, 5,000 से ज़्यादा हमारे नौजवान जो आउटसोर्स पे लगे थे उनको घर भेज दिया, उनको हटा दिया। और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आज की इस दौर में आप चीज़ों को देख रहे हैं, होड लगी है, मंत्रिमंडल अभी पूरा बना नहीं है, CPS 6-6 बना दिए हैं। एक तरफ से आर्थिक तंगहाली का जिक्र करते हैं, उस दूसरी तरफ हमको कहते थे कि आपने प्रचार पर बहुत पैसा खर्च किया, पूरे हिमाचल प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक। आज 3 महीने ये 6 महीने के कार्यकाल में अभी काम हुआ नहीं। हमने तो योजनाएं जो हमने की पूरी की, जिन योजनाओं पर हमने काम किया हम तो उसके प्रचार किया, अभी आपने तो कुछ किया ही नहीं है। उसके बावजूद भी प्रचार के आपके होर्डिंग एक कोने से दूसरे कोने में, जल शक्ति विभाग में आप अंदाजा लगाइए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का 1 सेंटीमीटर का फर्क नहीं रखा हुआ उनमें, दोनों ने बराबर, क्योंकि वो महकमा उप मुख्यमंत्री के पास है। उनने कहा मेरा कद छोटा क्यों होना चाहिए, मेरा फोटो छोटा क्यों होना चाहिए, उनने भी उतना ही बड़ा फोटो लगा दिया जितना बड़ा मुख्यमंत्री का, पूरे नेशनल हाईवे भर दिए। इसलिए छोड़ देना चाहिए।